गुड मॉर्निंग सर। क्लास 10 एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 2 को मैं सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और समझने के लिए कोशिश कीजिए। इसको क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ, ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया यहाँ पे, आपको जानना क्या जरूरत, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या है आपका, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब पॉइंट एक ही होगा, उसी पॉइंट को मान के आप 2 सर्कल बनाना है आपको, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है आपका, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एक ही पॉइंट को आप सेंटर मान के जो जब 2 सर्कल बनाएंगे तो उसको क्या कहा जाता है आपका, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो उसका रेडियस कितना होगा आपका, फर्स्ट 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए मैं इसको कैसे कर रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मैं कैसे ले रहा हूँ आप लोग देख लीजिए। 4 सेंटीमीटर रेडियस आपको बताया गया है, तो यहाँ पे आप 4 सेंटीमीटर का रेडियस को ले लीजिएगा आप कंपास पे। ये 4 सेंटीमीटर मैं आपको अच्छा से दिखा रहा हूँ आपको, ये देख लीजिए आप लोग, ये आपका 4 सेंटीमीटर रेडियस मैंने ले लिया 4 सेंटीमीटर का। इसको आप पॉइंट मान करके क्या करेंगे, हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का हो गया आप लोग का, ये हो गया आपका पॉइंट। नेक्स्ट इसी पॉइंट को हम लोग पॉइंट मान करके रेडियस 6 सेंटीमीटर का हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम लोगों को बताया गया क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये हो रहा है आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। पहले वाला था आपका, हमने रेडियस लिया था 4 सेंटीमीटर और इसको लिया गया कितना आपका, 6 सेंटीमीटर। वेरी गुड। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, yes, समझ में आ रहा है आप लोगों को, एनी प्रॉब्लम? अब इसको हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को नेक्स्ट ज्वाइन हम लोग क्या कर देंगे, इसको क्या कर लेंगे हम लोग, नाम दे देंगे ओ, और यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग मान लेंगे कि हम लोग पी, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ओ एन पी को क्या कर देंगे, एक लाइन सिगमेंट हम लोग एक पॉइंट अपना से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट मान लेंगे, ठीक है। एक लाइन सिगमेंट हो चुका है आप लोग का, पी मान लिया इसको हम लोग। अब इसको क्या करना है हम लोग को, बाइसेक्ट करना है ना हम लोग को। अब हम लोग क्या करेंगे, मोर देन हाफ लेंगे। मोर देन हाफ मतलब आपको क्या होता है आपका, आधा से थोड़ा ज़्यादा। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, अपना मर्जी से ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। मैं इसको थोड़ा एक आर्क खींच लीजिए आप यहाँ से, सेंटर पी को पॉइंट मान करके, फिर सेंटर ओ को पॉइंट मान करके आप एक क्या करेंगे आप लोग, आर्क। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, ओ पी को जो हम लोग बाइसेक्ट कर रहे हैं इसको क्या नाम देंगे हम लोग, एम। क्या नाम देंगे, एम। इसको क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, एम। वेरी गुड। अब इसको अगर हम लोग क्या करना है, हम लोग को रेडियस किसका लेंगे हम लोग,
एम और ओ या तो एम और पी का, ठीक है। ओ और पी का हम लोग क्या कर लिया, रेडियस ले लिया, ठीक है। आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, पीछे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। और जब भी आप लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे तो पेंसिल को थोड़ा अच्छा से ध्यान से और पॉइंट टू पॉइंट आप लोग थोड़ा नोट्स कीजिएगा। अब हमें क्या करना है, इसको हम लोग क्या दे सकते हैं, हम लोग क्यू और आर दे सकते हैं, ठीक है ना, क्यू और आर नाम दे सकते हैं। और इसको क्या दे चुका है हम लोग, एम ऑलरेडी दे चुका है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों का? आप हम लोग को यहाँ पे आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप लोग पी एन क्यू, आपका कंस्ट्रक्शन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आप इसको मेजरमेंट करके देख लीजिए, आप यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग का 4 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? तो आप लोगों को नेक्स्ट क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करने के बाद कंप्लीट आप लोग लेकिन इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको मार्क काट दिया जाता है। इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग देख लीजिएगा इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसको आप लोग पूछ करके आप लोग वीडियो को आप लोग लिख लीजिएगा। इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन नंबर वन, जॉइन पी ओ एन बाइसेक्ट इट लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड ओ। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको कंस्ट्रक्शन का स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन का जो आप बनाया है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है उसी को आपको पॉइंट बना के आपको लिखना है। नंबर टू, टेकिंग एम एस सेंटर एन एम ओ एस रेडियस ड्रॉ ए सर्कल लेट इट इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट द पॉइंट क्यू एंड आर। नंबर थ्री, जॉइन क्यू आर, ठीक है। और इसको पुश कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन तो आप लोग का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन आप लोग को समझ में आया है? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? कुछ भी कंफ्यूजन होगा, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। अभी भी अगर आप लोग का कुछ डाउट है अभी पूछ सकते हैं आप लोग। एनी डाउट? आप लोग क्लियर हो जाएंगे एग्जाम में? अगर आता है तो इस टाइप का कंस्ट्रक्शन और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थैंक यू।